तो आज मैं बनाने वाला हूँ जोरो को, बट इन माई स्टाइल। बट हाउ? सो बेसिकली इस चीज़ को मैंने AI से दो फोटो को मर्ज करके किया है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग देव एक्सटी को जानते होंगे कि उनकी स्किन भी है माइनक्राफ्ट की, तो उन दोनों की कॉम्बिनेशन को मैंने इसमें ड्रॉ करने की कोशिश की है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। फर्स्टली जो भी इसकी आउटलाइन है उसको हम इरेज करेंगे, इसके बाद हम इसके ऊपर इंकिंग करेंगे, देन कलरिंग को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी आउटलाइन को रिमूव कर लेता हूँ हल्का हल्का, एंड मेनली 10 कलर ही काम आने वाले हैं इस पूरी ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए। और आउटलाइन इसकी कुछ ऐसी लग रही है इरेज करने के बाद, एंड इंकिंग से पहले आउटलाइन कुछ ऐसी दिख रही थी और इरेज करने के बाद जो मैंने आपको पहले दिखाया है वो थी। इसके बाद गाइस मैं इसके ऊपर टेप चिपकाने वाला हूँ कि ये एक ही जगह पे रहे और मेरे को ड्राइंग करने में आसानी हो। सो मैं ड्राइंग को हेयर से स्टार्ट करने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ वेरी लाइट ग्रीन कलर। आफ्टर दैट उसे थोड़ा डार्क शेड, सो हेयर कंप्लीट करने के बाद ये कुछ ऐसी दिख रही है। सो गाइस ड्राइंग कुछ इतनी बन चुकी है, एंड रात के 10 बज रहे हैं और मेरे रूम का हाल कुछ इस टाइप हो रहा है। इसको भी साफ़ करना पड़ेगा, बट पहले ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो मेरा स्किन कलर पूरा ख़त्म हो चुका, तो मैंने मेरा ऑयल पेस्टल्स के डब्बे को खोल लिया और इसके अंदर जो स्किन कलर होता है मैं उसको यूज़ करने वाला हूँ अब। ओके सो बिना बोर किए मैंने इसको कलर को ब्लेंड भी कर दिया है, एंड उसके ऊपर फिर से आउटलाइन भी कर रहा हूँ क्योंकि पेंसिल कलर से किया था तो फेड हो चुका था, तो फिर से आउटलाइन भी कर रहा हूँ। सो गाइस जैसा कि आप अब इस फोटो में देख पा रहे होंगे इसका कैसा साइड की आउटलाइन है, तो उतनी मोटी आउटलाइन मेरे को करनी पड़ेगी पूरे में, एंड इसके ऊपर चल भी नहीं रहा था। तो आप मेरे हाथ का भी हाल देख सकते हो कितना गंदा हो चुका है इस टाइम पे। और अब फिर से चलो इसकी बड़ी आउटलाइन बोल्ड आउटलाइन थोड़ी करते हैं हम। सो बैकग्राउंड के लिए मैं ऑयल पेस्टल को यूज़ करूँगा। सो ड्राइंग फिनिश हो चुकी है और मेरी उंगली भी बिल्कुल लाल हो चुकी है, और मेरा रूम भी बहुत गंदा हो चुका है क्योंकि मैंने लगातार खिंडा रखा है और लगातार मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। तो इसको भी साफ़ करते हैं और इसके ऊपर स्प्रे करते हैं, उसके बाद मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाता हूँ।
ओके सो अब थोड़ी देर इसको यहाँ पे रहने देते हैं और इसको सूखने देते हैं, एंड इतने में मेरी टेबल साफ़ कर लेता हूँ और फिर मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। एंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर देना जिससे कि रीच बढ़ेगी। एंड हेयर इज़ द फाइनल रिजल्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।